आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत ही आसान है, जिसका नाम है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ये एक ऐसा बेसिक क्वेश्चन जो कि आप कॉमर्स लेने के बाद किसी भी बुक को उठाएं तो ये लिखा रहता है, किसी भी टीचर के पास जाएं तो सबसे पहला आपका नाम पूछने से पहले ये पूछता है तुम्हें मालूम है क्या अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपको भी जानना होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो समझ में आया, ये अकाउंटिंग क्या है सर जरा बताओ। तो आइए सीखते। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस बोल लीजिए, आर्ट बोल लीजिए, टेक्निक बोल लीजिए, फॉर्मूला बोल लीजिए, जिसको कि यूज करके कोई भी बिजनेसमैन ये जान पाता है कि उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। दैट मींस बिजनेस का अगर रिजल्ट जानना चाहता है तो कौन सा जादू परफॉर्म करता है उसका नाम क्या है? अकाउंटिंग। सर रिजल्ट क्या होता है? हमारा रिजल्ट तो होता है पास या फेल। उसी तरीके से बिजनेस का रिजल्ट होता है या तो प्रॉफिट या तो लॉस। इस रिजल्ट को जानने के लिए हमें क्या परफॉर्म करना पड़ता है? कोई जादू मारना होता है क्या? कोई जीन को बुलाना पड़ता है क्या? नहीं सर, अकाउंटिंग परफॉर्म करना होता है। सर हम लोग तो जरा देसी लोग हैं, जरा छोटे छोटे अच्छी अच्छी बातें में समझाओ ना, क्या किताबी भाषा लेके पढ़े हुए हो। सुनो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे डांसिंग करके दिखाओ तो आप क्या करोगे? म्यूजिक बजेगा और म्यूजिक पे आप क्या करोगे? मूवमेंट करोगे अपने बॉडी पार्ट को, है ना? इसी को तो डांसिंग बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि पेंटिंग करके दिखाओ तो आप किसी भी पिक्चर को देख के ड्रॉ करोगे, कलर करोगे, शेडिंग करोगे। तो किसको देख के पता चलता है कि आप पेंटिंग कर रहे हो? सर आप जब ड्रॉ करते रहते हो, पिक्चर को बनाते हो, कलर करते हो, शेडिंग करते हो, किसको देख के पता चलता है कि आप डांसिंग कर रहे हो? सर म्यूजिक बजता है और आप अपने बॉडी को उसी अकॉर्डिंगली मूव करते हैं, तो उस चीज को देख के पता चलता है आप क्या कर रहे हैं? डांसिंग कर रहे हैं। तो डांसिंग एक प्रोसेस है जिसको यूज करके आप क्या करते हो? डांस करते हो। पेंटिंग एक प्रोसेस है जिसको आप यूज करके क्या करते हो? पिक्चर बनाते हो। उसी तरीके से मेरे दोस्तों अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको परफॉर्म करके हम लोग बिजनेस का क्या निकालते हैं? रिजल्ट निकालते हैं। तो आशा करते हैं कि अभी तक आप समझ गए होंगे कि सर अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, क्या होता है वो तो मैं समझा ही दूंगा आपको, लेकिन अभी तक आप समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। बहुत अच्छा। सर अकाउंटिंग हम लोग करते हैं ताकि बिजनेस के रिजल्ट को जान सके। अब आइए जरा सा इसके डेफिनेशन को सीखें। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अब देखिए 5 कीवर्ड आपको बोर्ड पे दिखेंगे, मैं इन एक एक कीवर्ड को पहले आपको बताऊंगा फिर एक एक करके समझाऊंगा, सुनते रहिए। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग ऑफ बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कि आप यूज करके क्या करते हैं? बिजनेस का रिजल्ट निकालते हैं। और सबसे पहले क्या परफॉर्म करना होगा आपको? आइडेंटिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे। तो अभी तो आप मेरे से यह पूछोगे कि सर ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बताइए। सुनिए, बिजनेस करते वक्त, व्यापार करते वक्त दो पार्टी के बीच में जो लेन देन होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। सपोज आप मेरे से कुछ सामान खरीदे तो मैंने क्या किया? आपको गुड्स दिया। आप करेंगे, आप क्या करेंगे? आप मेरे को पैसे देंगे। तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज हुआ दो पार्टी के बीच में। तो आप अकाउंटिंग करते समय आइडेंटिफाई करोगे किसको? बिजनेस ट्रांजेक्शन को। आइडेंटिफाई मतलब पहचानोगे, पहचानोगे। सपोज कि आप किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट में जाते हो तो सबसे पहले आपका आई कार्ड चेक किया जाता है। आई कार्ड चेक करने का क्या मतलब है? कि क्या आप इस स्कूल के मेंबर हैं? कैसे पता चलता है? आई कार्ड को देख के। उसके बाद आपको अंडर अलाउ किया जाता है। उसी तरीके से अकाउंटिंग करते समय बिजनेस ट्रांजेक्शन को आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे। अभी यही खत्म नहीं हुआ, उसके बाद भी है। उसके बाद मेजरिंग, मेजरिंग मतलब नाप तोल करना, करेक्ट। तो नाप तोल किसका? बिजनेस ट्रांजेक्शन का। जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगा आप उसको क्या करेंगे? नाप तोल करेंगे, मेजर करेंगे। अब नापोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि पानी को नापने के लिए आप कौन सी यूनिट यूज करते हो तो सर लीटर यूज करते हैं, है ना। दूसरी, अगर मैं किसी लेंथ को नापने के लिए आपसे पूछूं कि इसके लिए क्या यूनिट यूज करते हो तो आप क्या बोलोगे? सर मीटर, सेंटीमीटर। उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस ट्रांजेक्शन को अगर आपको मेजर करना है तो आप यूज करोगे यूनिट, उसका नाम है मनी। आप पैसे के टर्म में उस ट्रांजेक्शन को मेजर करोगे। अगर वो पैसे के टर्म में कन्वर्ट हो पाए तो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है, नहीं तो उसको आप ट्रांजेक्शन नहीं मानोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे शॉप पे राहुल आता है गुड्स खरीदने, वो गुड्स खरीदा, मैंने पैसा लिया, ये मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इसको मैं पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब राहुल कौन से कलर का शर्ट पहन के आया था, कौन से कलर का जूते पहन के आया था, ये मेरे किसी मतलब का है क्या? नहीं सर। क्या मैं इसे पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं सर, ये मेरे कोई मतलब का चीज ही नहीं है। तो उसी तरीके से आप अकाउंटिंग करते समय ट्रांजेक्शन को क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे, फिर क्या करोगे? मेजर करोगे। किस में? मनी के टर्म्स में। नेक्स्ट क्या है उसके बाद? रिकॉर्डिंग। आप सुनिए भैया, आप पूरे साल छोड़ो, महीने छोड़ो, पूरे दिन भर में बिजनेस में लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं, क्या ह्यूमन ब्रेन इतना कैपेबल है कि सबको याद कर ले? नहीं सर। सर हम लोग को तो 4 लाइन का क्वेश्चन याद ही नहीं होता, ट्रांजेक्शन कैसे याद होगा? वेरी गुड। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? सारे चीज को राइट डाउन कर दोगे, नोट डाउन कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे, ताकि आप बाद में जब अकाउंटिंग करने बैठो ना तो सारे इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो।
तो ठीक है, तो उसी तरीके से अकाउंटिंग करते समय आप क्या करोगे, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करेगो। अच्छा, किसको रिकॉर्ड करोगे? सर, जो मनी के टर्म में कन्वर्ट होगा। मनी के टर्म में किसको यूज करना है? जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो ये रिलेटेड है एक दूसरे से। आइडेंटिफाइंग हो गया, मेजरिंग हो गया, रिकॉर्डिंग, फिर क्या आ गया? क्लासिफाइंग। सर, क्लासिफाइंग मतलब क्या हो गया? ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको आप ग्रुप कर दोगे। ग्रुप कर दोगे मतलब ये सेल्स के ट्रांजेक्शन है, ये परचेज के ट्रांजेक्शन है, ये रिटर्न के ट्रांजेक्शन है, ये डिफेक्टिव गुड के ट्रांजेक्शन है। तो इतना सारा जो आपके पास जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन था, बिजनेस ट्रांजेक्शन था, उसको क्या कर दिया आप? ग्रुप कर दिए, ताकि क्लासिफाई करके आसानी से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकोगे। आपके पास इतना लिख, आपके पास लाखों ट्रांजेक्शन है, अगर पता करना हो कि सेल्स के कितने ट्रांजेक्शन है, तो अगर आप क्लासिफाई करोगे तभी तो पता चलेगा। वेरी गुड, तो आप क्या कर लिए? बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई कर लिए। फिर से बताना, सर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेजरिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसके बाद लास्ट काम क्या होगा आपका? समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। लास्ट में आप क्या करोगे? सारे इंफॉर्मेशन का समरी शॉर्ट में लिखोगे और उससे इंटरप्रिटेट करोगे, उससे सोच के कुछ डिसीजन लोगे। अब ये जो अकाउंटिंग है ना बच्चों, ये हम अपने जिंदगी में डेली करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। बस दिक्कत ये है कि कोई आज तक बताया नहीं कि बेटा तू अकाउंटिंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल, माताजी आपको 200 रुपए दी और बोली कि जाओ तुम 1 केजी आलू, 1 केजी संतरे और 1 लीटर दूध लेके आना। ये 3 मेन्यू आपको मिला, तो आप क्या किए? गुड्स खरीदे और उस पूरे खर्चे में से 150 का खर्चा हुआ और 50 रुपए आप लौटा दिए। भैया हो गई अकाउंटिंग? सर पता नहीं चला। देखो, सबसे पहले क्या हुआ? आइडेंटिफाई किया गया कि हां भैया मुझे इन गुड्स का, राशन के कुछ गुड्स का जरूरत है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। तो सर अकाउंटिंग कहां हुई? तो सुनिए, सबसे पहले क्या, नीड को पहचाना गया कि हाँ मुझे करना क्या है, तो राशन खरीदना है, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। फिर आपको 200 रुपए दिए गए कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करना, ये लो पैसे, इसके बदले एक्सचेंज कर लेना, तो उसके लिए मेजरमेंट के लिए भी काम हो गया। फिर क्या हुआ? रिकॉर्डिंग। अब हम लोग सारे भूल भुलक कर जाते हैं बाजार में, तब तक भूल जाते हैं कि लेना क्या था। फोन करते हैं मम्मी को वहां से, इसीलिए हम क्या किए, सारे गुड्स को लिख लिए कि क्या क्या लेना है। 1 केजी आलू, 1 केजी संतरे, 1 लीटर मिल्क, इसको हम लोग क्या करके गए थे? रिकॉर्ड करके गए थे। लास्ट में फिर क्या हुआ? क्लासिफाइंग। अब बाजार में निकलते समय मेरे को पता करना पड़ा, क्लासिफाई करना पड़ा कि यहां पे दूध मिलेगा, यहां पे आलू मिलेगा, यहां पे संतरा मिलेगा, ये फ्रूट सेलर है, ये वेजिटेबल सेलर है, ये मिल्क सेलर है। तो ये क्या किया हम? क्लासिफाई किए। उसके बाद फिर क्या हुआ? समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग, और सबको लिख के अब हम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं कि भैया एक टाइम में इन तीनों चीज को लेने में मेरे को कितना रुपए लग गए? 150 रुपए लग गए। अगर 10 दिन के लिए चाहिए तो कितना? 150 × 10, क्योंकि 1 दिन के लिए 150, तो 10 दिन के लिए 10 × करेंगे। ये क्या हो रहा है? इंटरप्रिटेशन हो रहा है और समराइजिंग हो रहा है। तो ये काम अकाउंटिंग तो अपने जीवन में हम डेली करते आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी के बाद से आपसे कोई भी पूछे कि सर ये अकाउंटिंग होता क्या है, तो आप उसे बहुत ही क्लियर सबने बोल देना। अगर बिजनेस में रिजल्ट आपको निकालना है, बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण मैं आपको बताया क्योंकि बहुत कॉमन है। अगर बिजनेस में आपको रिजल्ट निकालना है तो आपको क्या करना होगा? अकाउंटिंग करना होगा। और अकाउंटिंग करते समय इन 5 प्रोसेस को आप यूज करके क्या कर लोगे? बिजनेस का रिजल्ट निकाल लोगे। दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।